आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। सेक्शन 49(10) में एक बड़ा चेंज हुआ है बजट के थ्रू। तो वो चेंज क्या है पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या बदलाव आया है, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 49 की और हम बात करेंगे सब सेक्शन 10 की। सब सेक्शन 10 ना चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा। सेक्शन 49 है किस चीज का, पेमेंट ऑफ टैक्स का सेक्शन है, ठीक है। आप सब लोगों को पता होगा पहले हुआ क्या करता था कि पहले अगर मेरे CGST लेजर में कुछ पैसा है और मेरे को जरूरत मेरे SGST लेजर में है, तो मैं क्या करा करता था, PMT09 से CGST का बैलेंस SGST में ट्रांसफर कर लिया करता था। या अगर मेरे इंटरेस्ट में पैसा है तो मैं टैक्स में ट्रांसफर कर लिया करता था। ये पुराना सेक्शन था, सेक्शन 49(10). लेकिन अब क्या हुआ बजट में, ठीक है, जो 1 फरवरी को बजट आया उसमें इस सेक्शन को चेंज कर दिया गया। पहले होता क्या था कि ये मेरा दिल्ली का GST नंबर है तो मैं सिर्फ दिल्ली में ही ऐसा कर पाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि लेट सपोज अगर आपका दिल्ली का भी GST नंबर है और आपके पास UP का भी GST नंबर है और आपके दिल्ली के GST नंबर में CGST में बैलेंस पड़ा हुआ है और IGST में बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। CGST और IGST में बैलेंस पड़ा हुआ है और वहां पर आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में कोई लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन यूपी के अंदर आपको इस फंड की जरूरत है यूपी के GST नंबर में। तो पहले लोग क्या करा करते थे, दिल्ली वाले से रिफंड मांगा करते थे और यूपी में पे कर दिया करते थे। लेकिन अब इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा पैन नंबर एक ही है और दो डिफरेंट GST नंबर है तो अब आप क्या कर सकते हो, दिल्ली वाला ITC को उठाकर, दिल्ली वाले कैश लेजर के बैलेंस को उठाकर आप यूपी वाले में ट्रांसफर कर सकते हो। ये वाला प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर के लिए है, क्रेडिट लेजर के लिए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला प्रोविजन तभी है जब CGST और IGST में बैलेंस हो, वही बैलेंस आप ट्रांसफर कर सकते हैं, SGST का बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सर इससे फर्क क्या पड़ता है, अगर यहां पर SGST में बैलेंस हुआ भी तो पहले यहां के SGST से यहां के CGST में कर लेंगे और फिर वहां के CGST से यूपी के CGST SGST में जिसमें भी ट्रांसफर करना होगा तो हम वहां पर ट्रांसफर कर लेंगे। अब इस सेक्शन को लिखा कैसे गया है, अब इसके वर्ड समझ लीजिए। कहता है ए रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर IGST CGST SGST UTGST और सेस। ये वाला तो पुराना सेक्शन था, ठीक है ना। अब इसमें क्या एड ऑन किया गया है, और इंटीग्रेटेड टैक्स और CGST। यहां पर जब दूसरी स्टेट में ट्रांसफर की बात आएगी वहां पर सिर्फ IGST और CGST आएगा, वहां पर SGST UTGST नहीं आएगा। ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4 और एज द केस में भी सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 25। जब आप सेक्शन 25 पढ़ते हो उसका सबसेक्शन 4 और 5 क्या कहता है, वो यही चीज कहता है कि एक GST नंबर आपका दिल्ली में है और एक GST नंबर आपका यूपी में है, या एक बिल्डिंग आपकी दिल्ली में है एक बिल्डिंग आपकी यूपी में है, ठीक है ना। इस तरीके से जो लिंक है उन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाता है एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 और 5। तो इस केस में क्या कह रहा है कि पहले सिर्फ यहां तक था, ए क्लोज थी एक तरीके से, बी क्लोज नहीं थी। अब इस वाले सेक्शन को दो क्लोज में तोड़ दिया गया है, ए क्लोज में और बी क्लोज में, कि अब आप अपने दूसरे जीएसटी नंबर पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। और यहां पर सिर्फ किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की, यहां पर क्रेडिट लेजर की बात नहीं हो रही होगी। इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसके लिए अभी फॉर्म नहीं आया है, हो सकता है इसके लिए फॉर्म आए। पहले हम किस फॉर्म से करते थे, PMT09 से, सेम GST नंबर पर। अभी लेकिन दूसरे GST नंबर पर डालने के लिए फॉर्म नहीं आया है, लेकिन ये आ जाएगा। सर ये कब से एप्लीकेबल होगा, भाई एप्लीकेबल मुझे या आपको नहीं पता। जब भी हमारे ये बजट के प्रोविजन, ठीक है ना, अभी तो फाइनेंस बिल है, पहले फाइनेंस एक्ट बनेगा, अभी तो लोकसभा में आया है ना, राज्यसभा में अप्रूव होगा, उसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति जी है वो उस पर सिग्नेचर करेंगे, तब हमारा ये पूरा एक्ट बनेगा, उसके बाद जिस डेट से नोटिफाई होगा नोटिफाई हो जाएगा।
लेकिन साथ में क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ट्रांसफर अंडर क्लोज बी शैल बी अलाउड इफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी अनपेड लाइबिलिटी, अगर उसके अनपेड लाइबिलिटी में कोई लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रजिस्टर में कोई अनपेड लाइबिलिटी है, तब वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। यहाँ पर यह बात आपको समझनी है। आशा करता हूँ ये वाला प्रोविजन आपको समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी जो हमारी फरवरी महीने की मैगजीन होगी उसमें हम सारे प्रोविजन का ऐसे क्लोज बाय क्लोज एनालिसिस करेंगे, विद एग्जांपल आपको देंगे। तो अगर आपने अभी तक मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मैगजीन सब्सक्राइब करा ले। और अगर आपको सैंपल मैगजीन चाहिए कि किस तरह की मैगजीन हमारी आती है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके सैंपल मैगजीन भी ले सकते हैं और जो आज फिनेंस बिल आया उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। सर कुछ फ्री में भी दिया करो। हाँ भाई, अब की बार मैं आपको फ्री में भी दे रहा हूँ। अब की बार हमारा एक सेशन है 20 फरवरी को संडे को, ठीक है, जिसके ऊपर हाउ टू अचीव योर गोल, उसके बारे में मैं बताऊंगा किस किताब को पढ़कर, थिंक एंड ग्रो रिच किताब को पढ़कर, जो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी हुई बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको ये सेशन ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप बात करके ये वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके व्यक्ति जो जानकार है उसे पता लगे आप अच्छी वीडियो शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर